राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और जागरूकता पर काम कर रही एनजीओ एसएस चैरिटेबल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बैनर तले बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। परिवार सुरक्षित है, परिवार मजबूत है तो मैं समझता हूँ पूरा देश मजबूत हो जाएगा, और अगर हम ये ऊंच नीच की भावना खत्म कर दें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक नाच के साथ साथ साफ सफाई को लेकर एक नाटक भी प्रस्तुत किया। पिछले 4 साल से अपनी एनजीओ एसएस चैरिटेबल एंड एजुकेशन के माध्यम से जन सेवा में जुटी कविता ने इस मौके पर मीडिया से बात की। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को लेकर के था, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके, जागरूक कर सके और बता सके कि जो हमारा संविधान बना है और जो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार थे, जो महिलाओं को उनका पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, 12-12 घंटे की ड्यूटी मजदूर करते थे, उन्हें 8-8 घंटे में तब्दील करने वाले हमारे बाबा साहब हैं, तो उन्हीं के विषय में हमने आज का ये कार्यक्रम रखा था। हमारी एनजीओ है जो 4 साल पुरानी है और हम लोग महिलाओं को अवेयरनेस करते हैं, जागरूक करते हैं, उनको रोजगार देते हैं, और हेल्थ के ऊपर हमारी संस्था काम करती है, बुजुर्गों के ऊपर काम करती है, गरीब बच्चों को शिक्षा के मदद करती है हमारी संस्था। इन्हीं विषयों को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम पब्लिकली सपोर्ट भी चाहते हैं और लोगों का सपोर्ट भी चाहते हैं कि वो हमारी संस्था के अंदर योगदान दें, ताकि हम उन महिलाओं को रोजगार दे सकें, आगे उनको पैरों पर अपना खड़ा कर सके और बच्चों को तत्पर बना सके, ताकि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके लिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है, यही हम चाहते हैं। सरकार और जनता के बीच एनजीओ किस तरह मददगार साबित होती है, इसकी बानगी देखने को मिलती है एसएस चैरिटेबल एंड एजुकेशन ट्रस्ट में, जहां बिना रुके बिना थके पिछले 4 साल से जन सेवा के कार्य किए जा रहे हैं और जिनका सारा श्रेय जाता है कविता को, जिन्होंने अपनी लगन से अपनी एनजीओ को इस मुकाम तक पहुंचाया। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।